गुड मॉर्निंग ऑल, आज हम वीडियो नंबर 2 देखेंगे। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 2, बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, और टॉपिक है आपका रीजन इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। रीजन और इंपैक्ट देखेंगे आज हम। प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन और उसका शेड्यूल, उसका कर्व, उसका डायग्राम। तो देखिए बेटा, पहले आप प्रीवियस वीडियो नंबर 1 जरूर देखें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि एक्सेस डिमांड होती क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है, ये आपको पता चल जाए। फिर हम रीजन देखेंगे। वीडियो नंबर 2 में आपको रीजन है, रीजन फॉर एक्सेस डिमांड और इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, कि क्या रीजन है, क्या रीजन है कि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्या रीजन है कि डिमांड बढ़ रही है, और क्या इंपैक्ट है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा कि एक्सेस डिमांड का बढ़ने से इफेक्ट किस पे पड़ेगा और क्या पड़ेगा, तो वो देखेंगे। प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, वीडियो 1 नंबर 1, और आपको अभी तक पता है हम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स और सेवन, एट टू नाइन, सॉरी एट तक चैप्टर, 1 से लेकर 8 तक आपको टोटल क्लास कंडक्ट हो चुकी है आपकी, तो आपकी वीडियो बन चुकी है, क्लास कंडक्ट हो चुकी है, तो आप सभी पहले प्रीवियस वीडियो देखें, प्रीवियस चैप्टर्स के नोट्स बनाएं और फिर उसको जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फिर वीडियो नंबर जो चैप्टर नंबर 9 है उसके वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। ओके, तो देखिए बेटा, ज्यादा बात ना करते हुए, रीजन फॉर एक्सेस डिमांड, रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। अब देखिए बेटा, क्या रीजन है जो एक्सेस डिमांड के, क्या रीजन है, देखिए, राइस इन द प्रोपेंसिटी कंज्यूम, राइस इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइस इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब क्या है, देखिए, मतलब कंज्यूमर बढ़ना। आज आप देख भी रहे हैं कि कंज्यूमर आज बढ़ रहे हैं, कि आप इतना ज्यादा कंज्यूम, जब आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, जब आप किसी चीज का ज्यादा कंज्यूमशन करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो इसी मकसद से ये दिया है, राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, क्लियर बेटा, कि मतलब आप जब भी जितना कंज्यूम करेंगे उतनी आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। ओके, देखिए, रिडक्शन इन टैक्स। अब देखिए बेटा, रिडक्शन इन टैक्स के अंदर कैसे डिमांड बढ़ती है, जब आपको पता है, जब आपका टैक्स कम लग रहा है, जब आपका टैक्स डाउन में टैक्स कम लग रहा है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, और डिमांड रिडक्शन इन टैक्स में लगता है, टैक्स जब कम लगेगा तो डिमांड बढ़ेगी, टैक्स ज्यादा लगेगा तो डिमांड घटेगी, जिस चीज के ऊपर टैक्स ज्यादा लग रहा है तो डिमांड आपकी डेफिनेटली कम होगी, और यानी रिडक्शन हो रहा है, टैक्स कमी हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी। आगे आता है फॉल इन इम्पोर्ट, आपको तो इम्पोर्ट के बारे में तो डेफिनेटली पता होगा, इम्पोर्ट क्या है, जो चीज हम बाहर देशों से मंगाते हैं, फॉरेन कंट्री से जो सामान हम मंगाते हैं वो इम्पोर्ट है, और जो फॉरेन कंट्री में भेजते हैं वो एक्सपोर्ट है। यदि इम्पोर्ट में कमी आती है, तो डोमेस्टिक सेक्टर संभालेगा, यदि हमारे इम्पोर्ट में कमी आती है तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, क्यों, यदि डिमांड आपकी फॉल इन इम्पोर्ट, यदि इम्पोर्ट में कमी आ गई तो डिमांड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि सारा काम किसको करना पड़ेगा, देश के अंदर रहकर करना पड़ेगा, डोमेस्टिक सेक्टर को करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक सेक्टर से वो डिमांड आपकी बढ़ेगी क्योंकि उसको ही बनाना पड़ेगा सारा कुछ, जो आज हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, सॉरी इम्पोर्ट कर सकते थे, वो भी हमें खुद बनाना पड़ेगा। क्लियर, आगे देखिए, राइज इन एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट का बढ़ना, अब एक्सपोर्ट के बढ़ने से डिमांड का कैसे बढ़ती है,
राइस इन एक्सपोर्ट, राइस का बढ़ना एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट मतलब जो चीज हम देश को देश से बाहर देश को देते हैं मतलब फॉरेन कंट्री में भिजवाते हैं, ओके एक्सपोर्ट का मतलब। अब देखिए एक्सपोर्ट यदि बढ़ता है, एक्सपोर्ट यदि बढ़ता है तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी। कि मान के चलो इमेजिन है जब हम किसी चीज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ज्यादा है और वहां से यदि डिमांड आती गई तो डिमांड डेफिनेटली बढ़ती है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से भी डिमांड बढ़ेगी। ये रीजन है, ये जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो रीजन है किसके, एक्सेस डिमांड के, किसके रीजन है, एक्सेस डिमांड के रीजन है। राइस इन डिप्रोपोर्शनली कंज्यूम मतलब कंज्यूमर बढ़ रहे तो डिमांड बढ़ रही, रिडक्शन इन टैक्स, टैक्स में कमी आ गई तो डिमांड बढ़ गई, फॉल इन इंपोर्ट यदि आपके इंपोर्ट में कमी आ गई तो डिमांड बढ़ गई, राइस इन एक्सपोर्ट यदि एक्सपोर्ट बढ़ता है तो डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आपको पता है यदि आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब समझते हैं गवर्नमेंट पुल बनवाना, सड़क बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, ये सारी क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यदि इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि रोड बनाने में आपको पता है कितने रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनकी सबकी डिमांड बढ़ेगी। आप रोड मत बनवाइए, कौन खरीदेगा जहां पर, कौन खरीदेगा सीमेंट? आप घर मत बनवाइए, कौन खरीदेगा सीमेंट? डिमांड बढ़ेगी, और आप बनवाओगे तो आपकी डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी। किसी चीज का बार बार ज्यादा कंज्यूम करोगे तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, डिमांड आपकी एग्रीगेट डिमांड से प्लानिंग से भी ज्यादा जाएगी और वो एक्सेस डिमांड का रूप में लेगी, ओके। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यदि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, यदि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो भी आपकी डिमांड बढ़ रही है, यदि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो भी आपकी डिमांड बढ़ेगी। कैसे? आपको बताए किसी भी चीज में यदि आप इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करोगे तो कोई ना कोई चीज तो लगाओगे, कहीं ना कहीं तो लगाओगे, और आपका इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बढ़ रहा है तो आपकी डिमांड बढ़ रही है। जो भी आपने किसी भी चीज का कोई प्रोडक्शन का या कोई भी बिजनेस का आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड ज्यादा भी जा सकती है मतलब प्लानिंग से ज्यादा भी जा सकती है, प्लानिंग से ज्यादा गई तो एक्सेस डिमांड। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखिए राइस इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइस इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कि आपका कंज्यूम बढ़ना है, आप यदि किसी भी प्रोडक्शन का यदि किसी प्रॉपर्टी का कंज्यूमशन करेंगे और ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ेगी। रिडक्शन इन टैक्स, यदि टैक्स में कमी आती है तो डिमांड बढ़ती है, फॉल इन इंपोर्ट यदि इंपोर्ट में कमी आएगी तो डिमांड बढ़ेगी, सारा सामान देश के अंदर बनना पड़ेगा डोमेस्टिक सेक्टर्स को। राइस इन द एक्सपोर्ट, यदि एक्सपोर्ट बढ़ता है तो भी आपकी डिमांड बढ़ती है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो भी डिमांड बढ़ती है। क्लियर? आगे देखिए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो भी आपका डिमांड बढ़ती है। ये तो रीजन थे कि एक्सेस डिमांड किस तरीके से बढ़ती है, ये तो रीजन है कुछ कि एक्सेस डिमांड बढ़ती है, ओके ये क्या है रीजन। अब देखिए इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, कि एक्सेस डिमांड बढ़ने से कहां कहां इफेक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, एक्सेस डिमांड बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ा। तो सबसे फर्स्ट है इफेक्ट ऑन आउटपुट, यदि आपकी एक्सेस डिमांड बढ़ जाती है तो आउटपुट मतलब आपके प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? आप देखिए जब आउटपुट आपने जो प्लानिंग की थी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब आपने प्लानिंग की थी 10,000 यूनिट की और प्लान है आपके 12,000 यूनिट की डिमांड आ गई और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, जब आप 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, जब आप प्रोडक्शन कर रहे थे 10,000 यूनिट का तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था
और यदि 12,000 यूनिट का प्रोडक्शन आ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेकर यहाँ पे इतना ही है, हमने अपना काम तो इतना ही किया है, एक्सेस डिमांड आने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक्सेस डिमांड बढ़ जाएगी तो आउटपुट पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने काम तो उतना ही किया है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे एम्प्लॉय लग गए, और एम्प्लॉय कहाँ से लाओगे? और एम्प्लॉय लाओगे कहाँ से? तो यदि इफेक्ट ऑन आउटपुट, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किस पे? आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आउटपुट के ऊपर। ओके बेटा, आगे देखिए, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपका प्रोडक्शन 10,000 यूनिट का था, आपको नहीं पता था, प्लानिंग आपने की थी 10,000 यूनिट का, प्रोडक्शन किया था 10,000 यूनिट का, और आपकी जो डिमांड आ गई वो 12,000 यूनिट आ गई। लेकिन प्रोडक्शन करते समय जब आपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, प्रोडक्शन करते समय फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, तो इसी वजह से जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था तो आपका प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके सारे मजदूर, आपके सारे वर्कर आपने यूज नहीं दिए, तो प्रोडक्शन में कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट पे भी क्या फर्क पड़ेगा? आप देखिए, जब आपने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया था, एम्प्लॉयमेंट तो पहले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यूज ले लिया, तो एम्प्लॉयमेंट का यदि एक्सेस डिमांड हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आपने पहले ही सारे यूज ले लिए थे 10,000 यूनिट में, वो सिर्फ अंदाजा था, और आपने प्रोडक्शन कर दिया, प्रोडक्शन से भी ज्यादा आपकी डिमांड आ गई, तो वर्कर या बढ़ाओगे तो आपके सब पे इफेक्ट पड़ेगा, जब वर्कर बढ़ाओगे तो आपके आउटपुट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, लेवल तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये तो आपको मैंने ड्रॉ भी बताया था, अपना जो लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, जो आपका प्राइस है, आपने प्रोडक्शन किया 10,000 यूनिट का, आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी था, आपको प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि एक्सेस डिमांड आपकी प्लानिंग से ज्यादा आई, डिमांड आई है, उसमें जब आपने प्रोडक्शन किया था तो फिक्स रेट कर दिया था, जो आपका प्राइस था वो आपने फिक्स कर दिया था, उसका लेवल इतना ही प्राइस रहेगा। डिमांड बढ़ने से यदि ज्यादा डिमांड आ गई तो जनरल प्राइस लेवल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, ये आपके रीजन हो गए, ये आपके इम्पैक्ट हो गए, ये आपका जो टॉपिक था रीजन इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड का टॉपिक था, वीडियो नंबर 2 है। क्लियर है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 में मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एग्जाम हो गए, एग्जाम सेम टाइम पे हो गए, आप ये मत समझिए कि एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम की डेट, आपकी जो फॉर्म की डेट है वो आ चुकी है, और CBSE वो उनको फिलअप भी करा रहा है स्कूलों के माध्यम से, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम होंगे, आप डेफिनेटली अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट कीजिए, और साथ साथ नोट्स बनाइए, बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम होंगे। ओके, यदि आप ये सोच रहे हैं एग्जाम नहीं होंगे तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ गलत है, आपको एग्जाम देने होंगे और एग्जाम होंगे, ठीक है? और प्रोस्पेक्टस के तरीके से अपने नोट्स तैयार कीजिए, जिससे आपके प्रैक्टिकल में और आपके जो नोट्स हैं वो अच्छे हों, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, और एग्जाम सेम टाइम पे होंगे, इसलिए आप अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट कीजिए, स्टडी कीजिए, ठीक है? और कुछ भी समझ में नहीं आए इकोनॉमिक के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है बेटा? और कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।